आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी जाएंगे 30 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रॉक मेमोरियल यहां पर जाएंगे प्रधानमंत्री और वहां पर ध्यान मंडपम में ध्यान लगाएंगे। 2019 में प्रचार थमने के बाद प्रधानमंत्री केदारनाथ गए थे, इस बार प्रधानमंत्री कन्याकुमारी जा रहे हैं। यहां पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाएंगे और ध्यान मंडपम में ध्यान लगाएंगे प्रधानमंत्री। प्रचार थमने के बाद प्रधानमंत्री 30 मई से 1 जून हमारे साथ सहयोगी कंचन कनौडिया जुड़ गई हैं। कंचन, देखिए अब प्रचार थमने के बाद प्रधानमंत्री ध्यान लगाने के लिए कन्याकुमारी जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव के लगातार प्रचार प्रसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सक्रिय थे और अब जब प्रचार समाप्त हो गया है, 1 तारीख को मतदान होना है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहीं से प्रधानमंत्री के लिए मतदान होना है। तो आपको बता दें 30 मई से 1 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी जाएंगे और वहां पर ठीक उसी जगह पर जहां पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था, ठीक वहीं पर एक दिन लगातार 24 घंटे ध्यान लगाएंगे। आपको बता दें जब पिछली बार लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ था तो केदारनाथ गए थे, उसी तरीके से इस बार जब 2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त होने पर आया है तो प्रधानमंत्री लगातार ध्यान लगाने के लिए ठीक कन्याकुमारी जहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान लगाया था वहीं पर जाएंगे। आपको बता दें 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, तो कहीं ना कहीं अपने लगातार यात्राओं के बाद हमने देखा कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी लगातार प्रत्येक दिन एक दिन में 4-4 रैलियों को संबोधित कर रहे थे, चुनाव प्रचार में बिजी थे। कहीं ना कहीं अपने बिजी शेड्यूल से अब जो काम समाप्त होने को है, जब प्रचार प्रसार रुक रहा है, 6 चरणों का मतदान हो चुका है, 7वें चरण का मतदान होना है, तो कहीं ना कहीं जो अपना थोड़ा सा बिजी शेड्यूल में से समय मिला है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी जाके ध्यान मंडपम में अपना ध्यान लगाएंगे। बिल्कुल कंचन, ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए पिछली बार हमने देखा था 2019 में प्रधानमंत्री केदारनाथ गए थे, इस बार जा रहे हैं कन्याकुमारी और यहाँ पर ध्यान लगाएंगे, तो क्या इसके अलावा भी कुछ और कार्यक्रम है रॉक मेमोरियल के अलावा या फिर कुछ सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगाने के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं? देखिए आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को यदि देखा जाए तो लगातार इस तरीके से उनके स्टाफ में से और लोगों को भी अच्छे से पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस प्रकार से काम करते हैं, रेस्ट लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो कहीं ना कहीं जो पूरे 2 महीने से अपने चुनाव प्रचार में बिजी थे, लगातार एक दिन में कई रैलियों को संबोधित कर रहे थे और प्रधानमंत्री हैं चूंकि देश के, तो और भी कई तरीके के काम रहते हैं, लेकिन जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थोड़ा भी समय मिलता है तो वो लगातार इस तरीके की प्रक्रियाएं करते हैं, ध्यान लगाते हैं। यदि बात की जाए केवल लोकसभा चुनाव ने बीच-बीच में जब भी समय मिलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम देश में जितने भी बड़े मंदिर हैं उन्होंने जाकर तमाम तरीके की सेवाएं करते हैं, ध्यान लगाते हैं। तो यदि उनकी पूरी प्रक्रिया देखी जाए तो नरेंद्र मोदी जब भी जिस प्रकार से आपने जिक्र किया, जब पिछली बार लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 का तो केदारनाथ गए थे और ठीक उसी प्रकार से अब कन्याकुमारी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं अपने आप को दोबारा जीवन करने के लिए, दोबारा ध्यान मग्न होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अब उसी का रुख कर रहे हैं जो हमेशा से उनके कार्यशैली को देखा, 2019 में भी देखा और अब 2024 में भी। शुक्रिया कंचन इस तमाम जानकारी।